हेलो फ्रेंड्स, मैं इरफान मेहमान एवरेस्ट कॉरपोरेशन से। आज मैं जो आपको वीडियो बताने वाला हूँ वही रोटरी प्लांट के बारे में बताने वाला हूँ। कई लोग पूछते रहते हैं कि इसमें साथ में क्या क्या हमको खरीदना पड़ता है, क्या क्या इसमें इंक्लूड है, तो पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊँगा इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, मतलब हम क्या क्या देंगे साथ में और आपको क्या खरीदना पड़ेगा, पूरा डिटेल में बताऊँगा। वीडियो को एंड तक देखिए, आपकी इन्फॉर्मेशन कम्प्लीट आपको मिल जाएगी इस प्लांट के बारे में। और कई लोग चाहते हैं कि इस मशीन को सिर्फ खरीदे, रोटरी मशीन को, और हमारा जो पुराना जो मैनुअल प्लांट है उसके साथ अटैच करें। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, सोडा का सप्लाई वहाँ से देकर इस रोटरी मशीन को आप बोतल फिलिंग के लिए ऑपरेट कर सकते हो। और एक और बात बता दूँ, इसके अंदर आप जूस भी फिल कर सकते हो, कार्बोनेटेड वाटर यानी कि सोडा भी फिल कर सकते हो, कार्बोनेटेड जूस यानी कि सिरप सोडा दोनों फिल कर सकते हो। इस तरह मल्टीपर्पज़ यूज़ वाली मशीन है, हर तरह की चीज़ आप इसमें फिल कर सकते हो। और इन चीज़ों के अलावा किसी भी तरह का लिक्विड जैसे ऑयल है, बटर मिल्क है, किसी आयुर्वेदिक दवाई है, कोई भी चीज़ हो वो भी आप इसमें फिल कर सकते हो। ये मत बहुत ही अच्छा, बहुत ही उपयोगी मल्टीपर्पज़ मशीन है और एक ही मशीन सारे काम करता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैनुअल मशीन में आपको एक्स्ट्रा 2 या 3 लेबर रखना पड़ता है मशीन में, वो आपको नहीं रखना पड़ेगा। आप अंदाजे से गिन लो कि एक आदमी के लिए आप 10,000 पे करते हो, मान लीजिए सिर्फ 2 एक्स्ट्रा रखते हो आप मैनुअल मशीन के लिए, तो 2 आदमी का 10,000 के हिसाब से 20,000 पगार हुआ एक महीने का। अगर 1 साल आप मशीन चलाते हो तो 12 महीने के हिसाब से 2,40,000 रुपया हुआ। ये मशीन सीधा 2,40,000 रुपया खुद ही बचा लेती है आपका, और ये मशीन आपके लिए ऐसे ही फ्री हो जाती है। तो बहुत ही उपयोगी मशीन है दोस्तों, इसको आप पूरा देखिए वीडियो को एंड तक, आपको क्या क्या चीज़ें खरीदनी है और हम क्या क्या देंगे वो मैं आपको पूरा बताऊँगा। एंड तक वीडियो को देखिए, और जो लोग पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं आग्रह करता हूँ कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, आपको मैं मशीन किस तरह चलता है वो भी बताऊँगा और क्या क्या चीज़ें इसमें लगती है वो भी बताऊँगा। सबसे पहले आप देख लीजिए ये मशीन किस तरह ऑपरेट होता है। तो सबसे पहले देखिए, कार्बोनेटर है, एक्सटर्नल जंबो कार्बोनेटर, जिसकी हाइट 6 फीट है और 8 इंच का इसका डायमीटर है। इसका मोटर कैसे ऑटो कट होता है ये देखिए आप। इसके सेंसर लगा हुआ ही है, इसका नीचे का पॉइंट है, उससे नीचे पानी जाएगा, उसको जब पानी छोड़ देगा, उससे टच नहीं होगा, तब मोटर ऑन हो जाएगी। देखिए मोटर ऑन हो चुकी है, अब धीरे धीरे पानी भरना शुरू होगा। जैसे ही पानी भरते भरते ऊपर का पॉइंट है जो सेंसर का, उसको छुएगा तो मोटर बंद हो जाएगी। ये सेंसर के वायर जो ऑटोकट सर्किट है उसमें लगे होते हैं, और उसी में मोटर के भी वायर लगे होते हैं, उसको कंट्रोल ये मोटर करती है। देखिए कितने बबल्स आ रहे हैं, 16 की स्ट्रॉन्गनेस का अंदाज़ आपको इससे आएगा। ये बोतल रिंसल है, इसमें आप बंदा वाली बोतल वॉश कर सकते हो या फिर एक साथ सारी बोतल वॉश करके एक बकेट में भी रख सकते हो, जैसा आप चाहो। देखिए मशीन को ऑन किया, अभी मशीन को ऑन करते ही सारा न्यूमेटिक सिस्टम है, स्टार प्लेट है, सब शुरू हो जाएगा। शुरू हो गया है, अब इसके बाद आप बोतल रखना शुरू कीजिए। सोडा बन चुका है, उसमें पानी गैस मिक्स हो चुका है, ऊपर आप कैप डाल सकते हो, कैप डाल के थोड़ा उसमें स्टोरेज रहेगा। देखिए कैप नीचे आ गया है, उसके बाद आपको बोतल रखते जाना है। एक ही आदमी बैठे बैठे आराम से सारा काम कर सकता है। ये पहले सोडा भरेगा, फिर सोडा भरेगा, उसके बाद में सिरप भरेगा। देखिए और सिरप भरने के बाद सीधा कैप इसके ऊपर लगेगी और कैप उसके आगे जाके टाइट हो जाएगी कैपिंग, और नीचे स्लाइडर से सीधा आपका जहाँ रखा होगा आपने बकेट है, कैरेट है, जो भी है, उस पर सीधा जमा होता जाएगा। एक ही आदमी बैठे बैठे आराम से बिल्कुल इजीली प्रोडक्शन दे सकता है। इसकी खासियत यही है कि आपको ज़्यादा आदमी की ज़रूरत नहीं है, एक ही आदमी सारा प्रोडक्शन पूरा दे सकता है और बिल्कुल ईजीली बैठे बैठे आराम से। ये देखिए बिल्कुल एक्यूरेट, कोई वेरिएशन नहीं है किसी बोतल में, और कैपिंग भी बहुत अच्छे से हो रहा है। सोडा सिरप भरने के बाद कैपिंग हो रहा है और सारी चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ भर रही है, किसी में कम ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल एक्यूरेट है ये सारा, आप देख सकते हो। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये मशीन है, ठीक है, जो ये मशीन है अलग अलग मॉडल है, ये 2 टाइप के मॉडल है, आप डिटेल ले सकते हो हमसे, 2 तरह के मॉडल में क्या क्या डिफरेंस है। एक में 4 फीट का कार्बोनेटर आएगा, एक में 6 फीट का, ये 6 फीट का कार्बोनेटर है, ठीक है दोस्तों। और एक चिलर आएगा इस तरीके का, तो ये अभी 300 लीटर का है, ऐसा ही ये 500 लीटर का चिलर है। बड़े मशीन के साथ 18 से 20 बोतल पर मिनट वाले कैपेसिटी मॉडल के साथ हम लोग देते हैं 500 लीटर का चिलर, और 12 बोतल पर मिनट वाले मशीन में हम देते हैं 300 लीटर का चिलर। ये जो है 18 से 20 बोतल पर मिनट वाला है ये मशीन, और ये जो है ये 12 बोतल पर मिनट वाला मशीन है। ये दोनों में डिफरेंस है कैपेसिटी, फिलिंग कैपेसिटी डिफरेंस है दोनों की। ये एक मशीन
दूसरा कार्बोनेटर और तीसरा ये चिलर, ये चीज़ें हम आपको देंगे तीन साथ में और उसी का रेट हम आपको बताएंगे। और ये जो बोतल रिंसर है, बोतल वॉशर जिसे कहते हैं, बोतल रिंसर कहते हैं, वो भी इसी में इंक्लूड है, मशीन के साथ ही आपको आएगा। हमने मशीन के अंदर ही नहीं लगाया है, अलग से दिया है ताकि किसी को आगे पीछे रखना हो अपनी सुविधा के अनुसार तो रख सकता है, इसलिए हमने इसको साइड में छोटा सा स्टैंड बना के लगाया हुआ है, ये आपकी सुविधा के लिए। आप एक एक करके भी इसको वॉश करके रख सकते हो, एक साथ ज़्यादा वॉश करके रखना हो तो ज़्यादा भी रख सकते हो आप। और इसके साथ साथ आप इस मशीन के अंदर जूस भर सकते हो, कार्बोनेटेड जूस, नॉन कार्बोनेटेड जूस, हर तरह का लिक्विड और सोडा यानी कार्बोनेटेड वाटर और जूस दोनों भर सकते हो, अलग अलग भी भर सकते हो जैसे आप चाहो। मल्टीपर्पज़ यूज़ वाली मशीन है ये, ठीक है दोस्तों। और ये कार्बोनेटर के साथ आपको क्या क्या आएगा, देखो ये हैवी कैपेसिटी का रेगुलेटर है, ठीक है, नॉर्मल रेगुलेटर नहीं है जो दूसरे मशीनों में लगता है। इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, सोडा की स्ट्रांगनेस बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से इसमें हैवी रेगुलेटर देना पड़ता है, ये बहुत हैवी कैपेसिटी वाला रेगुलेटर है। और उसके साथ आपको रहेगी एक वाटर लेवल कंट्रोल सर्किट, जो नॉर्मल मशीन लगती है पीसीबी मैनुअल में तो छोटी लगती है, ये हैवी कैपेसिटी वाली है ताकि कटआउट में कोई चूक ना हो इसमें। और एक चीज़ है मोटर, इसमें हैवी कैपेसिटी वाली 1.5 एचपी की मोटर लगेगी और ये 3 पिस्टन का पंप लगेगा बहुत हैवी प्रेशर के लिए। ये देखिए ये इधर से सप्लाई जा रहा है अंदर, ठीक है, गैस का सप्लाई जा रहा है और यहाँ नीचे से आउट होगा सप्लाई। और इसमें कनेक्शन आपको एक से ज़्यादा मिलेंगे, अगर आपको इन फ्यूचर आपकी कैपेसिटी बढ़ानी है फिलिंग की तो आपको कार्बोरेटर नया खरीदने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मशीन ही खरीदना है ऐसा। और आप इसके साथ 2 मशीन या 3 मशीन भी अटैच कर सकते हो एक ही कार्बोरेटर के साथ, ये आपका खर्च इन फ्यूचर रहेगा नहीं, अगर आप कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हो तो सिर्फ आप ये खरीदिए। और एक चीज़ है जो कस्टमर को ख़रीदनी है, कस्टमर को ये 1 HP का एयर कंप्रेसर ख़रीदना है, ये हम नहीं देते साथ में मशीन के, ये कस्टमर को ख़रीदना रहता है क्या, ताकि न्यूमेटिक सिस्टम इसका पूरा रन कर सके, ठीक है दोस्तों। ये जो है ये सब न्यूमेटिक है, सारी चीज़ें अप डाउन होता है, ये जो है कैपर है, ये सारी चीज़ें एयर से चलती है, ठीक है दोस्तों। और उसके अलावा एक और चीज़ आप चाहो तो ख़रीद सकते हो, ये आपके लिए कंपलसरी नहीं है, नहीं खरीदोगे तो आप वैसे बकेट में भी बना सकते हो सिरप को, लेकिन खरीदोगे तो थोड़ी आसानी रहेगी आपको। ये मिक्सर है, ये सिरप मिक्सर है, देखिए इसमें वाल दिया गया है और नीचे की तरफ से इसको राउंड बनाया गया है ताकि एक बूंद भी इसमें बाकी ना रहे, पूरा का पूरा आप निकाल सके इसमें से, और इसमें कोने नहीं होंगे ताकि कोई फूड पॉइजन वगैरह होने का या बैक्टीरिया जमने का कोई चांस नहीं रहेगा इसमें। आप देख सकते हो ऊपर एक मिक्सर लगा हुआ है, ये प्लग लगा के आप इसकी स्विच ऑन करोगे तो ये अपने आप सारी चीज़ें अंदर मिक्स हो जाएगी, जो आपका फ्लेवर का पाउडर है, लिक्विड है और शक्कर, और इसको घुलने के बाद अच्छे से आप नीचे से वाल खोल के सीधा निकाल सकते हो, ये आपका काम इजी करेगा। ये आपको ख़रीदना है, हमारा जो कीमत है उसमें ये अलग से आएगा, उसमें ऐड नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने आपको बता दिया, आपके लोग जो सवाल पूछ रहे थे हमसे कि क्या क्या आप हमें दोगे साथ में, तो हम आपको मशीन का जो प्राइस देते हैं उसमें एक तो ये मशीन जो है रोटरी मशीन, मिनी रोटरी मशीन वो देंगे, एक कार्बोनेटर देंगे आपको बड़ा जो है मशीन उसमें 6 फीट का, छोटा है उसमें 4 फीट का, ठीक है, और एक चिलर देंगे, बड़े मशीन में 300 लीटर का चिलर और सॉरी बड़े मशीन में 500 लीटर का चिलर और छोटे मशीन में 300 लीटर का चिलर देंगे, ये चीज़ें उसमें इंक्लूड है। और आपको एक्स्ट्रा से ये सब चीज़ें आप खरीद सकते हो, ये फ्लेवर मिक्सर और ये 1 HP का एयर कंप्रेसर, एयर कंप्रेसर खरीदना आपके लिए कंपलसरी है, इसके बगैर मशीन नहीं चलेगा, ये आपको खरीदना पड़ेगा। देखिए ये जो कार्बोनेटर है उसकी एक और बात बता दूँ, इसमें देखिए ये सेंसर भी लगा हुआ है, ये वाटर लेवल कंट्रोल सर्किट है, ये आप इसमें स्विच दी हुई है, इसको ऑटो और मैनुअल दोनों आप कर सकते हो, ऑटो पर रखोगे तो ये ऑटो कट ऑफ होगा, इसका सेंसर है और ये इसकी वाटर लेवल सर्किट है। अगर इसके सारे स्पेयर पार्ट्स भी आप चाहे तो हम आपको दे सकते हैं, स्पेयर पार्ट्स भी हम इसके सेल करते हैं, कोई टेक्नीशियन है, कोई मैन्युफैक्चरर है, अगर इस चीज़ को बनाना चाहे खुद तो सारे स्पेयर पार्ट्स भी हमारे पास अवेलेबल है, हम ये भी सप्लाई कर देंगे आपको, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो मशीन के लिए या स्पेयर पार्ट्स के लिए तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और एक कस्टमर को यहाँ CO2 सिलेंडर ख़रीदना पड़ेगा, ये भी मशीन के साथ इंक्लूड नहीं है, ये CO2 सिलेंडर कस्टमर को परचेस करना रहेगा। ये चीज़ें ऐसी है कि कॉमन है, हर जगह मिल जाती है, जैसे एयर कंप्रेसर हर जगह मिल जाता है, इसलिए हम यहाँ से नहीं देते, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा खाम खा, इसलिए वहीं से कस्टमर ले ले तो बेहतर है। इस तरह ये CO2 सिलेंडर भी हर जगह अवेलेबल होता है, वहीं से कस्टमर ले ले तो बेहतर होगा, खाम खा यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन चार्ज देना मुनासिब नहीं है। बेहतर क्वालिटी के लिए पानी में TDS का योग्य माप जरूरी है, इसलिए RO प्लांट भी खरीद लें तो बेहतर है।
तो आपको मैंने बताया क्या क्या चीज़ें हम देंगे साथ में आपको, क्या क्या चीज़ आपको खरीदनी है। और फिर भी अगर कुछ बात समझ में ना आई हुई तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, नंबर दिया गया है। और पहली बार अगर आप हमारे वीडियो देख रहे हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे हमारे वीडियो की। और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और कमेंट में और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में भी हमको पूछ सकते हो कि क्या आपको और जानकारी चाहिए। आपकी आपके सवालों से ही हमें पता चलता है कि हमको करेक्शन क्या करना है और हमें वीडियो बनाना है अगला, उसमें आपको क्या जानकारी देनी है। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में नई प्रोडक्ट नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।